धन धन सतगुरु तेरा सियासरा प्रेमी राजा राम बठिंडा शहर पंजाब से परम पिता जी की अपार कृपा का एक करिश्मा अपने पत्र में इस प्रकार लिखता है। 18 अगस्त सन 1989 को एक स्कूटर दुर्घटना में उसका लटका गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बच्चे की हालत को देखते हुए शहर के करीब सभी डॉक्टरों ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। प्रेमी अपने बच्चे को बेहोशी की हालत में लुधियाना के CMC अस्पताल में ले गया। वहां पर बच्चे का ऑपरेशन तो कर दिया गया, परंतु वहां के डॉक्टरों ने प्रेमी को बता दिया था कि बच्चे का जीवन खतरे में है, इसलिए ईश्वर से दुआ अरदास करें। उसी रात को प्रेमी लगातार सिमरन करने बैठ गया कि जब तक उसे सतगुरु परम पिता जी के दर्शन नहीं होते वह नहीं उठेगा। प्रेमी श्वास श्वास अपने मालिक के पवित्र चरणों में अरदास करने लगा। उस अवस्था में बैठे बैठे उसका ध्यान जुड़ गया। उसके सामने परम दयालु दातार जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रेमी ने अपने मालिक के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सर्वसम्मत सतगुरु जी ने प्रेमी के बच्चे का हाथ उसके हाथ में थमाते हुए फरमाया, भाई फिकर ना कर, हुन तेरे बच्चे का बाल भी बिंगा नहीं हुंदा। प्रेमी इस सुंदर दृश्य को देखते ही बहुत खुश था। उसे अपने सतगुरु पूज्य परम पिता जी पर पूर्ण भरोसा था। उसे विश्वास हो गया कि मालिक सच्चे पातशाह जी ने उसके बच्चे को जीवन दान दे दिया है। सुबह वह जल्दी ही अस्पताल पहुंच गया। सचमुच ही बच्चा खतरे से बाहर हो चुका था। उसकी हालत को देखकर उसे सुख व तसल्ली का अनुभव हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने भी बात की पुष्टि करते हुए बताया, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है और वह खतरे से बाहर है। धन धन सतगुरु तेरा सियासरा।